पाँच साल बाद मुझे उसकी कॉल आई और वो मुझे कहने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जिसकी सज़ा मुझे अभी तक मिल रही है। लेकिन यार मेरा यकीन मानो कि हालात मेरे बस में नहीं थे। एक तरफ मेरे घर वालों की इज्जत थी और दूसरी तरफ हमारी मोहब्बत। मैं घर वालों की इज्जत ख़राब करके हमारी मोहब्बत को आबाद नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे हमारी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी। यार मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जिसकी सज़ा मुझे आज तक मिल रही है। मैं तुम्हें क्या अपने दुख सुनाऊँ, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते थे मगर वो नहीं रखता, बल्कि वो मुझे गालियाँ देता है और मारता भी बहुत है। आज 5 साल हो गए मैं माँ नहीं बन सकी, इसलिए आज वो दूसरी शादी करने जा रहा है। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मैं ज़हनी मरीज़ा बनकर रह गई हूँ। मैं डिप्रेशन की गोलियाँ खाने लगी हूँ। मुझे तुम और तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने कई बार तुमसे रابطہ करने का सोचा लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। वैसे भी यार तुम अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुके होगे, मैं बस अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता और उसकी कॉल बंद हो गई और फिर दोबारा मेरा कभी उससे रابطہ नहीं हो सका। मुझे बहुत अफसोस है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। काश कि आज वो ज़िंदा होती तो मैं उसे ये बता पाता कि मैं कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाया। काश कि मैं उसे बता पाता कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जिसकी कोई हदूद नहीं। काश काश कि आज तुम ज़िंदा होती।